पिकांचे वहाल ग्राम पंचायत तर्फे हार्दिक एवरीवन सो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो एक वीडियो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, जाके चैनल में देख सकते हो। और प्लीज मत कमेंट में मुझे ज्ञान देना कि भाई ब्लैक क्यों पहना है वो, पूजा में जा रहा है, मेरी मर्जी भाई, मेरे पसंद है, मैंने पहन लिया है। एनीवे सो आज हम लोग जा रहे हैं, मेरा एक फ्रेंड है यही पास में रहता है, तो हम उसके घर पे गणपति पे जाने वाले हैं। सो दिवेश मेरा स्कूल टाइम का बचपन का फ्रेंड है एंड आज हम गणपति के लिए उसके घर जाने वाले हैं। सो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर और ये झूले पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया बैल्कनी में बैठ के। एंड अब चलिए आप सभी को मैं गणपति बप्पा के दर्शन कराता हूँ, जो कि बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया है। सो आज लास्ट डे है, आज विसर्जन होगा पप्पा का, मैं आ नहीं पाया। आई एम थैंकफुल कि आज के दिन मैं आ पाया, अच्छे से दर्शन हो गए मेरे पप्पा के और बहुत अच्छे से सजाया, और सत्यनारायण जी की भी पूजा रखी गई थी। एंड ये दिवेश मुझे प्रसाद दे रहा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ये वाली सब्ज़ी जो कि स्पाइसी होती है, और हलवा एंड माय ऑल टाइम फेवरेट आलू बड़ी। और हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ लिए। तो अब सब रेडी हो चुके हैं, बप्पा का विसर्जन होगा, हम उन्हें लेकर के जाएंगे। ले जाने से पहले बप्पा को पूरे घर में घुमाया जाता है, अच्छे से पूरे घर में दिखाया जाता है, और बहुत से रिचुअल से जो मुझे नहीं पता थे मुझे यहाँ आकर के पता चले, तो आप सभी को मैं दिखाऊंगा। अब गणपति बप्पा की एक बार फिर से हम पूजा करेंगे और पूजा के बाद उन्हें लेकर के जाया जाएगा यहाँ से। तो अब हम लोग जा रहे हैं पापा को लेके, यहाँ से नज़दीकी एक तालाब है वहाँ पर, फाइनली विसर्जन का टाइम आ चुका है। सो चलिए चलते हैं। मोरिया मोरिया वहाल ग्राम पंचायत तर्फे हार्दिक स्वागत। तो पापा को गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है, अब पता नहीं अगले साल तक का इंतज़ार कैसे होगा। गणपति पापा मोरिया। विसर्जन के बाद घर आके मुझे बहुत ज़्यादा डिलीशियस खाना खाने मिला, आंटी के हाथों का पूरन पूली मेरे को खाने मिली बहुत सालों बाद। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक बने हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करो।